हेलो दोस्तों, द केरला स्टोरी के विरोध में सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला तर्क है कि लव जिहाद केरल की सिर्फ एक हिंदू लड़की का हुआ है जिसने ISIS ज्वाइन किया है। लेकिन कोई भी हिंदू लड़की जो किसी अन्य धर्म के लड़के से शादी के बाद अपने धर्म की अपनी संस्कृति की बुराइयां करने लगती है, उसे कमज़ोर करने के पक्ष में कुतर्क देती है, वो लव जिहाद का केस है, जो कि भारत में खास करके एक आम बात हो चली है। ज़रूरी नहीं कि लव जिहाद में हर लड़की ISIS को ही ज्वाइन करे। ब्रिटेन के रेप पीड़िता डॉक्टर एला हिल ने ट्रिगोनोमेट्री के दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि पिछले 40 साल में ब्रिटेन में कम से कम 5,00,000 गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ एक समुदाय विशेष के लोगों ने रेप किया और यातनाएं दी। ब्रिटेन के एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पुलिस में रिपोर्ट ना होने का कारण ग्रूमिंग गैंग वालों का मुसलमान होना है। कई मामलों में आरोपी के समुदाय के कारण शिकायत ही नहीं की गई। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन जैसे एक विकसित देश में अगर लड़कियों ने डर के कारण पुलिस में रिपोर्ट नहीं की तो भारत जैसे देश में जहाँ की एक समुदाय विशेष की आबादी 21 करोड़ के लगभग है और केरला में पिछले 20 से 30 सालों में सिर्फ कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है, वहाँ इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना और केस लड़ना कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर आप गूगल पर लव जिहाद सर्च करेंगे तो आपको हजारों ऐसी लड़कियां मिल जाएगी जो अपनी कहानियां बयां कर रही है। फिर भी अगर आपको हिंदू लड़कियों की इतनी खतरनाक खराब दुर्दशा पर यकीन नहीं होता है तो आप सोच ही सकते हैं कि भारत आखिर क्यों 1200 सालों तक मुस्लिम शासकों का गुलाम रहा और 200 सालों तक अंग्रेजों का, क्योंकि ये लोग पहले ही जान चुके थे कि हिंदू लोगों को तोड़ना कितना आसान है। थोड़ी से पैसे, थोड़ी सी ताकत और सत्ता के लालच में यहाँ हिंदू ही हिंदू के विरोध में खड़ा हो जाता है और अपने ही धर्म को नीचा दिखाने की होड़ लग जाती है। दोस्तों, इतनी सी बातों से अगर आपको संतोष ना हुआ हो तो आप YouTube पर देख सकते हैं कि एक समुदाय विशेष के बारे में बोलने पर आपको कितनी गालियाँ मिलती है और हिंदू के बारे में बोलने पर आपको कितनी गालियाँ मिलती है। यहाँ तक कि YouTube पर एक पूरा हजारों लोगों का ग्रुप बना हुआ है जो इस तरह के वीडियो को दबाने के लिए हर स्तर पर कोशिश करता है, चाहे उस वीडियो को बार बार रिपोर्ट करना हो या वीडियो अपलोड करने वाले को गालियाँ धमकी देनी हो। खुद YouTube आपके बनाए इस तरह के वीडियो को आगे रेफर नहीं करेगा, जबकि हिंदू धर्म की आलोचना करने वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा रीच दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोग अपने घर में छिपे हुए गद्दारों को पहचान सकें, जो भले ही थोड़ा अच्छा वीडियो बनाते हों, थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हों, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ज्ञान का जन्म जिस संस्कृति में हुआ है वह उन्हीं जड़ों को कमज़ोर करने में पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं और अपनी ही संस्कृति की लड़कियों के साथ हुए रेप और प्रताड़ना की बातों का विरोध करके दरअसल वे उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो अभी भी सर काटना और गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ बदसलूकी करने को गर्व की बात समझते हैं। शायद इन लोगों के शब्दकोश में निर्लज्जता और बेशर्मी जैसे शब्द है ही नहीं।